दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शिरोबाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरोवाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शिरोबाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है तो इससे घर में कलेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं
जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर एक, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है, साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं, जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों नंबर दो, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में कलेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे गुलाबी लाल पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों नंबर तीन, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है, इसीलिए ऐसा भूल कर भी न करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर चार, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों नंबर पाँच, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है, तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, साथ ही घर में सुख वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों नंबर छह, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों नंबर सात, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है,
बच्चों को पढ़ाई में सफलता मिल नहीं पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों नंबर 9, केले के पत्ते की बंदर बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरबाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश वैभव कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में बिंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खन खनाहट होती है वो घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है, वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के